मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो परीक्षा है इंडियन टीम की वो सामने खड़ी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जो कि शुरू हो जाएगा 7 जून से। 11 जून तक वो मुकाबला चलने वाला है और 12 जून का दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है वहां पर। लेकिन अब बात करें यहाँ पर, आरसीबी का सफर तो जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस लाजवाब रही है इस सीजन भी आरसीबी के लिए। और अब विराट कोहली पूरी तरीके से डब्ल्यूटीसी के लिए तैयार हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अभी शेयर किया है जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, विराट कोहली ने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लंदन में, वहां पर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। उसकी तस्वीर उन्होंने डाली है और कैप्शन में उन्होंने लिखा है द वाइट्स, यानी और साथ ही साथ उन्होंने रेड हार्ट और व्हाइट हार्ट डाला है, यानी कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रैक्टिस सेशन की भी एक तस्वीर यहाँ पर विराट कोहली ने डाली है। तो नितिन, आरसीबी का सफर भले ही जल्दी ही यहाँ पर खत्म हो गया हो, लेकिन आरसीबी की का भी सफर काफी मजेदार रहा साथ ही साथ, लेकिन विराट कोहली उन्होंने अपना 100% यहाँ पर भी दिया है। और अब जब डब्ल्यूटीसी आ चुका है, कल भी हम बात कर रहे थे विराट कोहली की, तो यही हम कह सकते हैं कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर होने वाले हैं जो काफी ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड करेगा इंडिया का डब्ल्यूटीसी जीतना और ना जीतना। नहीं यार देखो, बिल्कुल आप अगर डब्ल्यूटीसी के स्क्वाड को देखें तो टॉप फोर आपके कौन कौन है, रोहित, गिल, विराट, चेतेश्वर पुजारा, है ना, यही, और फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे आपके आ जाते हैं, ये आपका टॉप ऑर्डर है। आप उसमें देखो T20 अभी आप अगर करंट फॉर्म देखें तो रोहित की फॉर्म नहीं लगी हुई है ना, एक दो मैच में रहना है, गिल एट इज बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली कमाल की बैटिंग करके आ रहे हैं ना, चेतेश्वर पुजारा काउंटी खेल रहे हैं वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर में आपके लिए सबका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट विराट कोहली, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा विराट कोहली ने अच्छा किया, चेतेश्वर पुजारा ने हमेशा विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा किया है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख ले तो मेरे हिसाब से विराट के ही रन होंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए हों या इंडिया में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या जहाँ भी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए हों, तो विराट कोहली के रन आने डब्ल्यूटीसी फाइनल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही है, क्योंकि आपके वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, है ना, और टेस्ट में रिसेंट 100 भी बना लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब इंडिया में टेस्ट में भी 100 आ गया था, लगातार हम बोल रहे थे कि टेस्ट में कब 100 आएगा, टेस्ट में कब 100 आएगा, 2019 में बनाया था आखिरी, फिर तो लगभग 4 साल 3.5 साल के आसपास के बाद उन्होंने 100 टेस्ट में भी बना दिया था। तो टेस्ट की अगर आप रिसेंट फॉर्म देख लें, जो घरेलू श्रृंखला हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पर भी अच्छी खासी इनिंग्स विराट कोहली ने खेली थी, 100 बनाया था, फॉर्म में वापसी कर ली थी, और ये तो फाइनल है भाई, यहाँ पर तो आपके बेस्ट बल्लेबाज को, दुनिया के मॉडर्न डे ग्रेट को रन बनाने ही पड़ेंगे अगर ट्रॉफी हमें जीतनी है तो। और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं अब तो, आई थिंक रोहित शर्मा भी परसों निकल जाएंगे, रोहित शर्मा और बाकी का जो बचा हुआ बैच है वो सीधे पहुँच जाएगा लंदन और पूरी टीम पहुँच जाएगी। वैसे अब देखिए CSK में से कोई है WTC में, रविंद्र जडेजा हैं और जडेजा, अजिंक्य रहाणे और कोई तो नहीं है, शायद ये दो ही हैं अभी। और GT में से अगर हम देखें तो आपके लिए गुजरात टाइटन्स में तो शुभमन गिल और KS भरत, उसके बाद मोहम्मद शमी, तो लगभग 4-5 प्लेयर्स, और फिर इंक्लूडिंग रोहित शर्मा और बाकी का स्टाफ जो है वो पूरा 29 या 30 को फिर वहाँ पर पूरा पहुँच जाएगा, तो फिर पूरी टीम इकट्ठी हो जाएगी, फिर तो फिर WTC की कवरेज हमें करनी है, सारी चीज़ें बतानी है। लेकिन विराट कोहली की तरफ से जो पोस्ट आई है उसका साफ सीधा मतलब है कि तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, रेड हार्ट उन्होंने आई थिंक रेड बॉल फॉर्मेट के लिए दिया है, वाइट हार्ट उन्होंने वाइट टी शर्ट के लिए, मतलब मुझे भाई रेड हार्ट का तो मतलब प्यार ही होता है, सफ़ेद दिल का मतलब आई थिंक डिवाइन सोल होती है, हाँ, और विराट कोहली उन्हें रन बनाने पड़ेंगे और आई विश 100 बनाएंगे। और अभी जिस तरीके से उनका IPL सीजन गया है, अच्छी फॉर्म में विराट कोहली दिखाई दिए, और अब उसके बाद WTC की जैसे उन्होंने बात भी की थी जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उन्होंने खुद ये चीज बोली थी कि भले ही हम अभी T20 खेल रहे हैं लेकिन मैं ज्यादा फैंसी शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे बेसिक टेक्निक्स हैं उन पर स्टिक करके रह रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें टेस्ट फॉर्मेट खेलना है, हमें जाकर के WTC खेलना है। तो ऑलरेडी भले ही IPL खेल रहे थे, T20 खेल रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में शुरुआत से WTC का फाइनल था, वो टेस्ट फॉर्मेट था, तो ये बहुत अच्छा साइन था शुरुआत से ही, तो उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे इनका IPL सफर खत्म हो गया है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं इंग्लैंड में, कुछ प्लेयर्स भी और वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर करके मैसेज दे दिया है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इस फॉर्मेट के लिए और WTC इंडिया को जिताने के लिए। तो अगर विराट कोहली का बल्ला चल गया वहाँ पर WTC फाइनल में, तो फिर इंडिया की WTC ट्रॉफी जीतना लगभग लगभग मुझे तो लगता है पक्का हो जाएगा।